हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए असासिन्स ब्रदर के पार्ट 18 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि एक बार में जाकर ड्रंक होकर वहाँ पर बखेड़ा खड़ा करती है, जिसे निपटाने के लिए सेयन वहाँ पर चला जाता है। जाते ही के को ऐसा रैपट लगा देता है कि के वही फैल जाती है। उसके बेहोश होने के बाद सेयन उसकी गन उठाता है और बाकी सब की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, जिसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है यहाँ बीच में रखो। अब सब लोग डरते हुए अपने गैजेट निकाल कर बीच में रख देते हैं। अब सेन सीसीटीवी को तोड़कर उसे चिप निकाल लेता है, साथ ही ज़मीन पर पड़े सारे डिवाइसेस को भी खराब कर देता है। और जब उसका सारा काम होता है, वो बेहोश पड़ी के करीब खड़ा होता है और फिर अपने सारी बुलेट्स उन सभी लोगों में उतार देता है जो भी यहाँ पर जिंदा थे। जैसा कि उसे ऑर्डर मिला था, वो कोई भी प्रूफ पीछे नहीं छोड़ सकता था। और फाइनली के को उठाकर उन सभी मुर्दों के बीच से बाहर निकल आता है। के जब होश में आती है, अपने आप को सेन के हाथों में पाती है, बहुत खुश होती है और उसी तरह से सो जाती है सेन का नाम जपते हुए। सेन उसे अपने बाइक पर लेकर उसके घर पर छोड़ने के लिए चला जाता है। एक स्लीपी पर्सन को कैरी करना इतना आसान नहीं था, फिर भी वो जैसे तैसे मैनेज कर लेता है। अब वो पहली बार उस जगह जाता है जिसे के अपना घर कहती थी। दोबारा जब सेन ने उसे उठाया, तब के थोड़ी सी होश में आ गई। उसका नशा भी काफ़ी हद तक उतर गया था। अब वो अपने हाथ बढ़ाकर सेन को पकड़ते हुए कह रही थी, सेन मुझे उठा कर ले जा रहा है। ओ, मैं तो इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। काश हमने वेडिंग ड्रेस पहनी होती। सेन तो उसे वही पटक कर चला जाना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं सकता था। प्रेसिडेंट ने उसे सारा मामला ठीक करने के लिए कहा था। के को वहाँ से निकाल कर उसे उसके घर पहुँचाने के लिए कहा था। वो सोच रहा था कि मुझे अंदर जाना चाहिए या फिर उसे कंपनी में ले जाना चाहिए। तभी के चिल्लाने लगी, सेन अंदर चलो ना। वो अपना अनोइंगली स्माइली फेस दिखा रही थी। तो सेन को मजबूरन अंदर जाना ही पड़ा और फिर वो इस बात के लिए रिग्रेट करने लगा। सेन ने कभी इमेजिन नहीं किया था जो वो अंदर देख रहा था। वहाँ पर सीलिंग से लेकर फर्श तक हर जगह सेन के फोटोज थे, हर डिफरेंट एंगल से क्लिक किए हुए। वो सोच रहा था कि इसने ये सब कलेक्ट कब कर लिए, क्या ये पागल है। वो इतना गुस्सा हो चुका था कि उसके सिर की नस चढ़ चुकी थी। अब उसने के को उसके बेड पर फेंका और वहाँ से जाने के लिए निकला, पर के उठकर बैठ गई और सेन का हाथ पकड़ते हुए बोली, मत जाओ ना, जाने दो मुझे। सेन जोर से बोला, पर के इस मौके को कैसे जाने देती। उसने सेन को अपनी तरफ खींचा और बोलने लगी, सेन फाइनली तुम मेरे घर पर आ गए हो। इस रूम का एक एक इंच तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये सब कहते हुए वो अपने बॉडी को टच कर रही थी और इसके साथ ही उसने अपने बाकी के बचे कपड़े खींचना शुरू किया। साथ ही आगे बढ़कर सेन को कंधे से पकड़ने की कोशिश की। सेन ने उसे ज़ोर से धक्का दिया, वो वापस से बेड पर गिर गई। अब उसके पैर पूरी तरह से खुल गए थे और सेन को देखकर उसने और स्ट्रेच कर लिया और उसके पास जाते हुए बोली, सेन आज रात मुझे अपना बना लो। तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट पार्टनर बनूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर सेन ने नाक मरोड़ी। एक तो के शराब में धुत थी, ऊपर से ऐसी गंदी हरकतें कर रही थी। उसने उसके बाल पकड़े, उसे पीछे खींचा और कहा, पहले होश में आओ और फिर मदर के सामने जाना, अपनी सज़ा के लिए तैयार रहना। सेन ने फिर से वहाँ से जाने की कोशिश की, पर के ने सेन का शर्ट पकड़ लिया और कहा, हाँ इसी तरह से मुझे पनिश करो। तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ ऑफर कर रही हूँ। मैं इसे रोज़ साफ़ करती हूँ, बस तुम्हारे लिए, बहुत केयरफुली। अब सेन पीछे मुड़ा और उसने के को इतने ज़ोर से थप्पड़ मारी कि वो वापस से बेड पर गिर गई। सेन ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, वो सीधा उस जगह से दरवाज़ा पटकता हुआ बाहर चला गया।
इधर के ज़मीन पर पड़ी कह रही थी, देखना सेन, एक दिन मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगी। उसके माथे से खून टपक रहा था, पर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। इधर सेन ने प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दिया के बारे में, तो प्रेसिडेंट ने उसे कंपनी में आने के लिए कहा। उस रात सेन घर नहीं जा पाया। वो सोच रहा था इस वक्त उसे कंपनी में क्या काम हो सकता है सिवाय मदर के मूड के, पर जो हो उसे ऑर्डर तो फॉलो करने ही थे। उसे ईवो का ख्याल आया, क्या वो ठीक होगा? वैसे वो काफ़ी बड़ा है, फिर भी पता नहीं क्यों सेन का दिल नहीं मान रहा था उसे अकेला छोड़ने का, और उसने कहा था कि वो आज रात वापस आएगा। पर सेन ने सर हिलाया, इस ख्याल को अपने दिमाग से बाहर निकाला और वापस से बाइक स्टार्ट कर दी। अब वो कंपनी में वापस आ गया। प्रेसिडेंट की जगह पर आकर उसने दरवाज़ा नॉक किया। प्रेसिडेंट ने खुद दरवाज़ा खोला और सेन का अंदाज़ा सही निकला। प्रेसिडेंट ब्राउन कलर के थिन नाइट ड्रेस में सिगरेट हाथ में लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। सेन के जाते ही प्रेसिडेंट ने कहा, ओ सेन, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सेन ने तुरंत अपना सर झुका लिया, अंदर चला गया। प्रेसिडेंट ने कहा, दरवाज़ा बंद करो। उसने ऑर्डर दिए और सेन ने फॉलो किए। प्रेसिडेंट चेयर पर बैठ गई। वो सेन को सर से लेकर पांव तक घूर रही थी। फिर उसने सिगरेट का एक सिप लिया और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। एक पल के लिए भी प्रेसिडेंट की आंखें सेन से नहीं हट रही थी। अब उसने काउच के बगल के टेबल से वाइन ग्लास उठाया, उसमें से आधा ड्रिंक भी किया और फिर सेन की तरफ बढ़ाया। सेन पूरे समय बस सफ़ेद फ्लोर को ताक रहा था। उसने जैसे ही उस ग्लास को देखा वह आगे बढ़ा, प्रेसिडेंट के बगल में बैठा और प्रेसिडेंट को वाइन पिलाने लगा। इसे एंजॉय करने के बाद प्रेसिडेंट ने सेन से फर्श पर फेंकी हुई सिगरेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे उठाओ और पियो। बिना कोई हेजिटेशन डिसअप्रूवल दिखाए सेन ने सिगरेट उठाई जो अभी भी चल रही थी। सेन उसे हाथ में लेकर एक पल के लिए रुका और फिर उसने उसे पी ली। अचानक से प्रेसिडेंट सेन के सामने आई, उसकी नेक पकड़ी और उसे किस किया। ये सब इतनी अचानक था कि सेन सरप्राइज हो गया। उसे वो धुआं छोड़ने का भी वक्त नहीं मिला। एक्चुअली प्रेसिडेंट सेन से उस धुएं को ले रही थी, पर इस वजह से सेन बहुत तेज़ खांसने लगा। उसके मुंह में बहुत कड़वा टेस्ट घुल गया। अब प्रेसिडेंट ने सेन को छोड़ा, फिर सेन के बॉडी पर अपनी उंगली घुमाने लगी। उसके बाजू पर, चेस्ट पर, नेक पर, फेस पर, उसके चिन के नीचे अपनी उंगली रखते हुए मदर ने सेन का चेहरा उठाया और सेन की हर हरकत ओबीडियंस से सेटिस्फाई होते हुए उसे क्रीमी वॉइस में कहने लगी, तुम सिर्फ मेरे हो हमेशा के लिए और मेरे ही रहोगे। सॉरी कि मैंने तुम्हें इतनी देर रात वहाँ भेजा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा सन सबसे बेस्ट है, सबसे ओबीडियंट, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। वो रुक गई, सेन की तरफ देखने लगी। सेन ने कुछ भी नहीं कहा। तो प्रेसिडेंट ने कहा, क्या तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे? यस मदर, मैं आपकी हर ऑर्डर फॉलो करूँगा, सेन ने जवाब दिया। प्रेसिडेंट ने कहा, बहुत अच्छे, अब ऐसे खड़े क्यों हो? स्ट्रिप। उस रात सेन घर नहीं जा पाया, ना ही अगली सुबह, दोपहर और ना ही शाम को। वो जब घर गया लेट नाइट हो चुकी थी। उसने ईवो को मैसेज कर दिया, मैं आज रात देर से घर आऊँगा। उसे जवाब मिला, ओके। ईवो को ये समझ नहीं आ रहा था कि देर रात का मतलब क्या होगा, क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी थी। वैसे उसके लिए घड़ी मैटर ही नहीं करती थी, उसके लिए बस वो पर्सन मैटर करता था जिसे अब तक लौटना चाहिए था, क्योंकि आज का दिन भी ख़त्म हो चुका था। ईवो बड़ी सी खिड़की के पास फर्श पर बैठा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि उसे नींद ना आए, पर स्लीप फेरी तो अपने काम पर थी। एक मॉन्स्टर
जिसे नाइटमेयर कहा जाता है। वो बार बार इबो को चिढ़ा रहा था। वो स्लीप फेरी से कह रहा था कि वो इबो को सुला दे ताकि वो भी कुछ मजे कर ले। वैसे वो आजकल रोज़ नहीं आता था। आजकल एक और ब्लैक फ्लेम थी जो इबो के सोल में घुल रही थी। वो अपने अंदर दो चीज़ें कैरी कर रही थी, एक सोल और एक नाइटमेयर का प्रे। इबो नाइटमेयर तो अपने प्रे को वापस लेने की कोशिश करता था, पर वो ब्लैक फ्लेम उसे जाने ही नहीं देती थी। इबो अपनी पिछली ज़िंदगी में हमेशा अकेला रहना चाहता था, सब लोगों से दूर भाग जाना चाहता था, कुछ सुकून के पल चाहता था, पर अब वो बिल्कुल अकेला नहीं रहना चाहता, यहाँ तक कि इस लग्जरी लाइफ में भी नहीं, जब तक कि उसमें सेन शामिल ना हो। बाकी कोई भी चीज़ उसके लिए मैटर ही नहीं करती थी। इबो उस कंफर्ट को भी एंजॉय नहीं करना चाहता था जिसमें सेन शामिल ना हो। वो तो उसका लाइफ फोर्स बन गया था। हाँ, पर ये सब एंटिटीज़ इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब इबो की आंखें नींद की वजह से भारी हो रही थी, जल रही थी, पर फिर भी वो वहाँ से नहीं हिला, बस चुपचाप बैठा रहा खिड़की से बाहर देखते हुए, बस एक आकृति के इंतज़ार में। इबो को खुद नहीं पता था कि वो कल रात कैसे सो पाया। वैसे वो इस हालत में ही नहीं था कि वो टाइम चेक करे, पर वो थक गया था बहुत ज़्यादा। उस रात नाइट फेरी ने अच्छे से आकर अपना काम किया। बस इबो के गीले तकिए को पता था कि उस पर क्या गुजरी। वैसे अभी इबो अपने मुंह पर पानी मारकर वापस आना चाहता था, पर वो खिड़की छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। पर किसी तरह से वो उठा। वैसे तो वो भागना चाहता था, पर उसके पैर भी सो गए थे। अब उसने घड़ी की तरफ देखा, 1:30 बज गए थे। अब जब वो खिड़की के पास वापस आया, उसने उसे देखा और तुरंत एक शर्माए फूल की तरह खिल गया। जो डेमोन नाइटमेयर था वो तो कब का भाग चुका था, और ये वो दरवाजे की तरफ दौड़ रहा था। कुछ मिनट बाद ही सेन ने दरवाज़ा खोला और इबो ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, एक कड़वी खुशी। पर यह चीज़ सेन के लिए बहुत आम थी और वो इसे ही वापस आने के बाद देखना चाहता था। शायद से उसके दिल को ये अच्छा लगता था। वो चहचहाती आवाज़, वो चमकती आंखें जिन पर अभी भी नींद का साया होता था, ये सब सेन के लिए बहुत रिफ्रेशिंग होता था। जैसे वो अभी नहाकर एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार होगा। इबो चाहे कितना भी थका हो, कितना भी डरा हुआ हो, फिर भी वो हमेशा मुस्कुराता चेहरा रखता था। शायद से वो सच में खुश था, या फिर खुश रहने की कोशिश करता था, क्योंकि अब सेन घर वापस आ गया था। शायद से वो हमेशा ही ऐसा था। बुद्धू, कोई ऐसे बंदे को क्यों चुनेगा जो हमेशा अपने आप को किसी परेशानी में डालता है? पर सेन ने चुना था, या फिर उसके दिल ने? सेन ने कहा, तुम जगे हुए हो? इबो ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सेन ने कहा, ज़रूरत नहीं है। इबो ने कहा, कोई बात नहीं। तभी वो मन में सोच रहा था, इससे मेरा दिन पूरा होता है। तभी इबो के पेट ने आवाज़ की। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सेन ने कहा, ये मत कहना कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। तो इबो पाउट करता हुआ बोला, मैं तुमसे पहले खाना नहीं खाता। जिस दिन पहली बार इबो ने सेन का दिया हुआ सूप उसे बिना पूछे खाया था, तभी उसने अपने आप से वादा किया था कि वो या तो सेन के साथ खाएगा या उसके बाद, पर उससे पहले कभी नहीं खाएगा। एक्चुअली सेन जब वापस आ रहा था तभी खाना खा चुका था। फिर भी उसने इबो से कहा, तो चलो फिर प्लेट्स लगाओ, मैं भी भूखा हूँ। इबो तुरंत खुशी खुशी खाना परोसने लगा और सेन ने दोबारा इबो के साथ खाना खाया। उस रात फिर से वो दोनों बालकनी में खड़े थे जहाँ पर सेन हमेशा सिगरेट पिया करता था। वैसे वो उसकी आदत थी, पर इबो को बालकनी सच में पसंद थी। पता नहीं, ये अंधेरा उन दोनों के बीच में बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, उनकी आंखों के लिए शायद। अब आसमान बहुत बड़ा दिख रहा था, जैसे डार्क कैनवस पर कोई अपने मनपसंद स्ट्रोक्स लगा रहा हो। ये सब कलरलेस था, फिर भी
सुकून से भरा था। अचानक से ईपो ने पूछा, सियन क्या प्यार कभी फेल होता है? सियन सरप्राइज हो गया, पर उसने ऐसा दिखाया नहीं। उसने कहा, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। फिर उसने ईबो की तरफ मुड़कर पूछा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो ईबो ने कहा, ओह, लाओशी कह रहे थे, वो बुक से एक स्टोरी सुना रहे थे जिसमें वो कपल अंत में साथ नहीं रहता, पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो क्या इसे फेलियर कहा जा सकता है? सेन ने सहाय किया और कहा, मैं स्टोरीज़ के बारे में तो नहीं जानता, ना ही उनका नज़रिया जानता हूँ, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई भी प्यार फेलियर नहीं हो सकता, चाहे चीज़ें अपने हिसाब से हो या ना हो, पर जितने समय तक उन्होंने प्यार किया वो तो सच्चा था ना, जो समय उन्होंने साथ बिताया वो तो सच्चा है, वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये फीलिंग गलत है या फिर इसे फेलियर कहा जा सकता है। उसने ईबो की तरफ देखा, उसकी नज़रें बिल्कुल शांत थी। अब ईबो ने भी सेन से नज़रें मिलाई कुछ सेकंड के लिए, जैसे समय रुक गया था। फिर वो दोनों वापस से आसमान की तरफ देखने लगे। उन दोनों के बीच में कुछ अलग सा भर गया था, ऐसी फीलिंग जिसे बयां नहीं किया जा सकता। ईबो बोला, शायद से मैं यही सुनना चाहता था। तो सेन ने कहा, चलो सो जाते हैं। ईबो ने कहा, बहुत देर हो चुकी है पर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, पर तुम थक गए होगे और कल सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा उसी समय पर। अब सेन का चेहरा हल्का सा सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, नहीं, कल मेरा डे ऑफ है। सच में? ईबो लगभग चिल्लाया। सेन ने उसकी तरफ देखा तो ईबो अपनी एक्साइटमेंट हटाते हुए तुरंत शांत हो गया। उसने सेन से अपनी नज़रें हटाई और फिर अपने नेक पर हाथ फिराते हुए बोला, मेरा मतलब है, अच्छा है। अब सेन भी दूसरी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कराहट आ गई, पर ईबो ये नहीं देख पाया। शायद से प्यार जितना थोड़ा मिले उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि थोड़ा हो तो आप उसे संजो कर रखते हो और जितना ज़्यादा मिलता है उतना ही आप उसे ऊब जाते हो। सेन ने सहाय किया और वापस से अपना चेहरा स्ट्रिक्ट बना लिया। उसने कहा, कल सुबह से लेकर रात तक तुम्हारी बहुत हार्ड ट्रेनिंग होने वाली है, मैं पूरी तरह से तुम्हारा ध्यान रखूँगा, इस बार हम स्टिक यूज़ करेंगे। हाँ, ईवो के मुँह से एक अलग सी आवाज़ निकली, मतलब क्यूट, ऐसा सेन को लगा। फिर दोनों के बीच में एक पल साइलेंस का आया। अब ईवो ने कहा, सेन तुम सच में बहुत अच्छे हो। सेन ने वापस से उसकी तरफ देखा, वो जानना चाहता था क्यों। अब ईवो उसके पास जाता हुआ बोला, मैक्स ने मुझसे कहा कि तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है मेरे लिए। अब उसने सेन के ड्रेस का कॉर्नर पकड़ा। सेन ने कहा, क्या तुम डिटेक्टिव बन रहे हो, मेरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो? सेन ईबो पर ब्लेम तो कर रहा था, पर आवाज़ बड़ी प्यारी थी, वैसे थोड़ी सी चढ़ी हुई भी थी क्योंकि वो डर गया था। ईबो ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा, बस मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ और तुम तो मुझे बताते नहीं, इसलिए मैं, पर सच में मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, ईबो बोला। सेन रुक गया। अब उसने ईबो से अपनी नज़रें हटाई और ज़मीन की तरफ देखते हुए बोला, इतनी जल्दी क्यों है, मुझे थोड़ा समय दो। ईबो समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है और ना ही सेन। अब दोनों भी वहाँ पर बिना कुछ बोले ऐसे ही खड़े रहे। सेन अपने लिप्स चबा रहा था। ईबो अब उसके सामने आ गया और बोला, सॉरी सेन, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, तुम जब चाहे तब मुझे बता सकते हो, जब तुम्हें अच्छा लगे। सेन ने नोट किया और कहा, चलो सोने के लिए चलते हैं।
आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।